नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं भानुभक्त सारणी में, जहां पे आज दुर्गा मल जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आज अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में है, इस आज़ादी का श्रेय केवल हमारे पूर्वजों को जाता है। उन्होंने बलिदान दिया है बोल करके आज हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस अवसर का हमें सदुपयोग करना चाहिए और मिलजुल करके अपने देश, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व पटल पे हमारा भारत एक अलग पहचान बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हमारे साथ, हम अंदर चल के प्रवेश करके देखते हैं यहाँ पे भानुभक्त समिति में क्या क्या प्रोग्राम को रखा गया है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद। शिक्षक शिक्षिका हमारा सिलगढ़ी का विभिन्न ठावर का संस्था का प्रतिनिधिगण, हमारा सामूहिक प्रेमी बुद्धिजीवी सब सब इस कार्यक्रम में आज सपोर्ट कर तब मेरे धन्यवाद पकड़ चाहता तिमीसँग देशका हजारौँ हजारौँ देशवासीहरू तिम्रो साथमा खडा हुनेछ यति भनेर प्रत्येक मोह रहेका छौँ। र हामी आज यहाँ वीर जवान चौकमा खडा भएर हाम्रा सपुतहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रम अबको केही पछि नै सुरु हुनेछ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, मुख्य अतिथि लगायत सम्पूर्ण यहाँहरूको बाहुलीबाट श्रद्धासुमन। दोस्रो युद्ध घुमिरहेको समय आज 25 अगस्त को दिन बलिदान दिवस को उपलक्ष्य में वहाँ हमारा आज अतिथिगण, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि हमारा कर्नल दीपक लिम्बू श्रीजू, अनि हमारा एसएमजी का बोर्ड कमिटी का चेयरमैन गांधी चट्टाजीजी, हमारा काउंसिलर 18 नंबर का काउंसिलर हमारा संजय शर्माजी, अनि हमारा इस वार्ड का परिषद एमआईसी हमारा राम भजन मातेजी, ये सिलगढ़ी का भारतीय हिंदी स्कूल का प्रधान अध्यापक संजय शर्माजी, संजय शाहजी, हमारा डॉक्टर दिवाकर सिन्हाजी, अनि हमारा बेल सुब्बाजी, अनि हमारा उपस्थित हुनु भएका हमारा बीपी विश्वकर्माजी, हमारा मदन सर सुब्बा सर, अनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका स्कुलका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिगण, आज यहाँ हाम्रो गोपाल लामाजीलाई यहाँ धुपकाटी र माला अर्पण गर्दै यहाँ माला अर्पण हाम्रो चेयरमेन गान्धी चट्टाजीकोबाट उहाँ माला उहाँ हाम्रो दुर्गा मल्लको चरणमा फुलमाला सबैजनालाई अनुरोध गरेको छु कि माला अर्पण गरिदिनु भएर सुन्दै शर्माजीको बवालीबाट सुर्खा प्रधान अध्यक्ष सञ्जय शाहबाट, अनि भर्खरै हाम्रो खण्डेश आउनुभएको छ, महेशताजीले हाम्रो विचारी दिनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। अनि हाम्रा समितिको उपाध्यक्ष रेणुको सुब्बालाई पनि म हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु। सबैजनालाई हाम्रो बेल सुब्बा, हाम्रो हिमाली दर्पणका सम्पादक शिव छेत्री यहाँ मञ्चमा आइदिने यहाँ फुलमाला अर्पण गर्दै अनुरोध गर्दैछु। शिव छेत्रीजू, हाम्रो राम छेत्रीजू, सञ्जय पटेलजी, अनि हाम्रा डाक्टर सिद्धुदास शर्माज्यू आज बङ्गलमा हुनु कारणले गर्दा उहाँको प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ, राजु अङ्कित खड्काज्यू, हाम्रो दिनेश छेत्रीज्यू, हाम्रो बिपी विश्वकर्माज्यू, हाम्रो पारस कार्कीज्यू, उहाँ पनि आएर त्यही फिल्ममा, हाम्रो विजय राईजी देशको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा सानो मोमेन्टो एउटा बलिदान हाम्रो दुर्गा मल्लको एउटा चिनारी हाम्रो सबैजनालाई हामीले एकै बडा, अनि अब हाम्रो प्रेरणालाई भन्न चाहन्छु सबैजना तपाईँहरू रेडीबाट बस्नुहोस्, अब राष्ट्र गाना सुरु हुन्छ है। हेलो, तपाईँ पार्टीलाई राष्ट्र गाना सुरु गर्ने मान्नु, राष्ट्र गाना
पनि जसको पक्षमा हामीले आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ आज कार्यक्रममा, साथै लगायत हाम्रा शिक्षक शिक्षिका, हाम्रा सिलगढीका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको संस्थाका प्रतिनिधिगण, हाम्रा सामाजिकहरू, बुद्धिजीवीहरू, सबै सबैलाई यस कार्यक्रममा आज सपोर्ट गरिरहेकोमा तपाईँहरूलाई मेरो पनि धन्यवाद पक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो सुरेन्द्र शर्मालाई, म पनि धन्यवाद पक्राउन चाहन्छु। अपडेट्स में कैसा लग रहा है आपको रक्तदान शिविर में आकर के रक्तदान देख रहे? क्या नाम है आपका? क्या नाम? ब्लड देते हैं, हमेशा देते हैं। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासी को? सबको देना चाहिए। आपका न्यूज अपडेट्स में आज दुर्गा मल जी का शहीद दिवस के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज 25 अगस्त है, आज हम लोग का पालन करते आए थे, आज शिक्षिका विभिन्न शिक्षिका छात्र बन लोग आए थे और शिक्षक शिक्षिका लोग उनका उपस्थित हुए थे। हम लोग का पर आधी घंटा से एक घंटा हम लोग का प्रोग्राम था। उसके बाद अभी हम लोग का समिति भवन में ये आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग रक्तदान जीवन दान बोल के हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। ये प्रत्येक साल हम लोग करते हैं, ये प्रत्येक साल हम लोग 100-150 हम लोग यूनिट ब्लड कैंप हम लोग इस क्लब माध्यम से हम लोग ये आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पल में हम लोग ये करते हैं। आज भी अब बारिश हो रहा है, कल से बारिश होने का नाम नहीं करता। अभी आज हम लोग का बलिदान दिवस में 1-1.5 घंटा पानी रुका, हम लोग काफ़ी से मनाया। अभी हम लोग का यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग, हम लोग का विभिन्न संस्था का लोग, हम लोग समिति का मेम्बर, विभिन्न हम लोग का दूसरे लोग लोग पक्का दान जीवन दान बोल के पल के साधन आगे को ब्लड डोनेशन दे रहा है। तभी हम लोग का आज बारिश का, अभी तो बारिश हो रहा है, बारिश का कारण कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी हम लोग का अभी 60-70 मिनट हम लोग का टारगेट है, कितना हम लोग का हो गई। और ये बलिदान उपलक्ष्य में जितना भी अभी बरसात का काम है, अभी कुछ पानी बारिश में कुछ धस होगा, पैरों होगा, ब्लड होगा, इस ब्लड का डोनेशन का भक्ता का अभी तो जरूरत होगा। इस कारण हम लोग लोटी क्लब के माध्यम से हम लोग ब्लड डोनेशन कर प्रत्येक साल हम लोग करते हैं, बाद में हम लोग कर रहे हैं। इतने हम लोग का यूनिट होगा, 60-70 यूनिट हम लोग का होगा, नहीं होने से तो 100-150 ही होता था, लेकिन तब भी हम लोग का 60-70 यूनिट हम लोग का ब्लड डोनेशन होगा। ये उपलक्ष्य में आज जितना भी हम लोग का कार्यक्रम भाग लिए बलिदान दिवस में, सबको तो हम शुभेच्छा शुभकामना देते हैं। एकदम यह आज आया हम लोग का कार्यक्रम को सफल किया और आप लोग का मीडिया पार्टनर को भी सबको हम मुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आपको ये रक्तदान शिविर में आकर के रक्त दान देकर के बहुत खुश हुआ। आज बलिदान दिवस है, बलिदान जो हुआ था सही लोग ब्लड दे रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? प्रवीण सामंत। तो प्रवीण दा, ये क्या पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले भी? साल देता हूँ प्रवीण। मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. कैसा लग रहा है आपको रक्तदान शिविर में आकर के, रक्तदान दे करके? जैसे बोलते हैं कि रक्तदान एक महादान है, जैसा अभी हम लोग का ये ब्लड है तो बूंद बूंद से सागर बनता है. जैसा जैसे अब हम लोग अपना ब्लड देंगे तो किसी को ये अमृत बन सकता है जिसको नेसेसरी है. तो मैं वही बोलना चाहता हूँ यंगस्टर्स को बेसिकली जो रक्त देने में डरते हैं, ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू बिकॉज यू कैन सेव लाइफ. हम लोग जीवन बचा सकते हैं. सबको हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि कहीं भी आपको मौका मिले जरूर ब्लड डोनेट करिए और किसी का जिंदगी बचाइए. थैंक यू सो मच. आज बलिदान दिवस र आज यहाँ रक्तदान शिविरको आयोजना गरिएको छ, के भन्नुहुन्छ? आज बलिदान दिवसको उपलक्ष्यमा हर वर्ष गई नेपाली कृमि धारक समितिद्वारा यो रक्तदान शिविर राखिएकोमा म धेरै खुसी छु. म पनि हर वर्ष यो वर्ष भए मैले रक्तदान गरेको होइन, रक्तदान गरेर चाहिँ मलाई के खुसी लाग्ने, मैले गर्दाखेरि कसैको एउटा जीवन हामीले बचाउन सक्छ भनेर चाहिँ खुसी छु. अनि यसको लागि त्यति नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आएर सबैजनाले रक्तदान गरौँ होइन. हाम्रो हामीले के नभए चाहिँ एउटा रक्त दिएर कसैको जीवन बचाउँ भन्ने मेरो त्यति नै एउटा ग्यारेन्टी छ सबैजना. जी का ये शहीद दिवस में भानुभक्त समिति के प्रांगण में आए आप, जहाँ पे आप देख पा रही हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन है और इसके साथ साथ सभी हमारे दीदी माँ बहन और भैया लोग आज आए. ऐसे क्षणों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और देशवासियों को? का दिन है ना, ये दिन हमारे लिए मतलब एउटा एक गर्व करने का दिन है क्योंकि आज का दिन मित्र दुर्गा मल्ल जो स्वतंत्र सेनानी उनका लाल किला में फांसी दिया था ना, इसीलिए आज का ही दिन ये मतलब उनको जो फांसी दिया था यही दिन को हम सब लोग बलिदान दिवस मनाते हैं. और मेजर दुर्गा मल्ल उनका जो जो परिवार में मतलब देश के लिए इतना किया ना, मतलब उनका शादी तीन दिन के बाद उनको फांसी दिया था ना. ये इतिहास है, ये मतलब लंबा है, लेकिन मतलब मतलब मेरे को इतना पता है कि कैसे हुआ ना, मतलब उनका जो विशेष है क्या वृत्ति होगी देश के लिए. जब उनको फांसी दिया तब उनको विशेष ने बोला कि अंग्रेज युक्त चलने था, जो बात था कि मतलब बताने को ब्रिटिश को, लेकिन उन्हें नहीं बताया इसीलिए फांसी दिया. नहीं बताने से तुमको मतलब हम लोग माफ कर देंगे ऐसा बोला था, लेकिन क्या बोला उनको श्रीमती को जुटा मतलब मैं आज देश के लिए सही हो रहा हूँ तो मेरे बाद में तुम्हारा करोड़ों भारतीय तुम्हारा साथ देगा. आज मेरा त्याग से मतलब मैं जाऊँगी देश के लिए, मेरे बाद में करोड़ों देशवासी तुम्हारा साथ होगा. तुम मत को ऐसा बोला कि हम आज का दिन हम लोग के लिए एक तो प्राउड दिन है ना, इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं कर सकते तो खाली एक तो जो ब्लड आज शिविर ये चल रहा है ये हम लोग मेजर दुर्गा मल्ल ने अपना जीवन दान उत्सर्ग किया ना, जीवन दान दिया देश के लिए. हम लोग भी उतना नहीं कर सकते तो एक तो ब्लड ना जब दान रक्त दान करने से किसी को जीवन बच जाए यही हम लोग का सोच है. इसीलिए आज का दिन बलिदान दिवस और रक्तदान दिवस भी हम लोग. क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल. रोहित जी कैसा लग रहा है आपको ये रक्तदान शिविर में आ जाना? मैम आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में. हमारे दर्शकों को यह बताइए ये रक्तदान जो देने आएंगे किन किन नियम को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं? रक्तदान 18 साल से 65 साल वाले को दे सकते हैं. मेनली आपको खाना खा कर आना चाहिए, खाना खा कर आधा घंटा या 45 मिनट बाद में दे सकते हैं. और यदि आपका इंसुलिन नहीं ले रहे हो तो आप शुगर है तभी दे सकते हो, खाली आप खून नहीं दे सकते ब्लड जिसका हार्ट प्रॉब्लम है
जिसका मैंने मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है वो ये लोग नहीं ले सकते हैं, और सब बाकी सब 18 से 65 साल तक ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? मैं मिस बिंदु पांडे पीआरओ ऑफ लोकल। थैंक यू, आपका स्वागत है अपडेट्स में। मैं पंकज। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। कैसा लग रहा है आपको रक्तदान शिविर में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी दूसरा बार है और मैं हर साल आके डोनेट करती हूँ। मैं दूसरे भी मोटिवेट करती हूँ वो आके डोनेट। क्या नाम है आपका? नितिशा। आपको मेरे चैनल द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कौन से स्कूल में? कृष्णा माया मेमोरियल। थैंक यू। रक्तदान शिविर का भी जो आयोजन हुआ है इसके बारे में भी अपना परिचय देते हुए थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं भास्कर सिंह, बलिदान दिवस, ये बलिदान जो हमारे अग्रज बलिदान दिए थे शहीद मेजर दुर्गा मल्ला आएने फौज में थे, देखा जाए तो गोर्खा जाति में फर्स्ट बलिदान देने वाले शहीद, स्वतंत्र भारत के शहीद शहीद मेजर दुर्गा मल्ला जी थे। तो अभी हम लोग रक्तदान शिविर भी रखे हैं। क्यों रखे हैं? इसका कारण एक ही हो सकता है, बलिदान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स देखे गए हैं उनके याद में या उनके स्मरण करने के लिए हम लोग रक्तदान जीवनदान हेतु हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं, और काफ़ी हमारे सभी भाषावासी आके रक्तदान दे रहे हैं। तो आज एक बड़ा दिन है और हम लोग सभी को शुभकामना देते हुए आपको भी धन्यवाद देते हुए मेरा द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। तो आज बलिदान दिवस के अवसर पे आप जो यहाँ पे भानुभक्त समिति में आए, आपको कैसा लगा हमारे दर्शकों को बताइए। ये भानुभक्त समिति ने जो ये कार्यक्रम किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोग देखिए, हम लोगों ने विगत के दिन में जो दुर्गा मल्ला मेजर शहीद दुर्गा मल्ला का जो स्टैचू को बिठाया था इधर में वीर जवान चौक में, साथ ही में हम लोगों ने नेताजी का भी एक स्टैचू रखा है। तो यहाँ पर देखिए भाईचारा का भी एक संकेत दिया इसे, साथ ही में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से दुर्गा मल्ला ने शहीद मेजर दुर्गा मल्ला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था, और देश को आज़ाद कराने में उनका जो भूमिका रहा है वो एकदम ही हम लोग जानते हैं कि एकदम ही वो उस तरह की जो भावना है और वो गोरखाओं में पहले ही था अभी भी है। हम लोगों ने देखा है विगत के दिन में गोरखाओं ने किस तरह से इंडिया के हरेक वार में, आप देखिए 1962 का वार देखिए चाइना के साथ में, उस समय भी गोरखा लोग शहीद हुआ है। 1971 के वार में भी गोरखा लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के वार में भी शहीद हुए हैं, अभी भी हम लोग वीडियो में देखते रहते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट में गोरखाओं का 100 डोनेशन कैंप चलाकर भानुभक्त समिति के जो सचिव हैं कृष्ण लामा जी, साथ ही में जो भी मेंबर थे, मैं क्योंकि यहाँ का मेंबर हूँ तो हम लोग सभी लोग मिलकर जो ये कार्यक्रम किए हैं इसका मैं आप सभी को जो भी लोग अभी ब्लड देने के लिए आए थे
मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस यही है कि बलिदान दिवस के दिन इस तरह का कार्य जो हुआ है, इसके लिए हम लोग सबको एकदम धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामचित्र।